हेलो, हाउ आर यू भैया? बड़े दिन हो गए आपको मोटिवेट किए, इसलिए आज बड़े भैया को बुलाए हैं थोड़ी मोटिवेशन के लिए। जी जनाब, आज क्या सुना के पहलेंगे? कभी आपको हाथी ने काटा है आज तक किसी ने? भैया हाथी का तो पता नहीं, पर तेरे जैसे चूतियों ने मोटिवेशन के नाम पे बड़ा काटा है। तो भैया शुरू करते हैं आज का पोस्टमार्टम। आज न छोड़ूंगा तुझे। किसी को आज तक हाथी ने काटा है क्या? और मच्छर ने कितने लोगों को काटा है? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। अबे हाथी, तेरे जैसे चार को अपने नीचे रगड़ दे और अपनी सूंड तेरे पिछवाड़े में डाल के मुंह से निकाले। अजीब चुतियापे की लॉजिक दे रहा है। चचा अभी तो शुरू हुआ है, गुस्सा ठंडा करो। कंट्रोल मुजरी, कंट्रोल। एक आर्मी कितने ही शानदार औजारों से लैस क्यों ना हो, एक आर्मी में कितने ही शानदार लोग क्यों ना हो, बेस्ट राइफल्स हो, बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, आगे अभी बोल दे, बेस्ट वेपन्स हो, लेकिन अगर जूते ना हो ना तो आर्मी लड़ नहीं सकती। अबे पागल के बच्चे, कौन सी दुनिया की आर्मी एक दूसरे को बॉर्डर पे जूते मारती है? और पुल्लू के पत्ते, जिस आर्मी के पास दुनिया की हर बेस्ट चीज है वो एक जूता नहीं खरीद सकती यार, इसको कोई जूता। छोटी सी आग की चिंगारी पूरा जंगल जला देती है। छोटा सा छेद। हाँ, छोटा सा छेद ही था तेरे बाप के कंधे में। मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सुनना, कितनी इम्पोर्टेंट चीज। अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए। हाँ। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा। उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो। गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट। आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ। आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत। टीटी गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। क्या जोक मार रहा है? अबे उल्लू के पत्ते, अगर कॉमेडी करनी तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मोटिवेशन के नाम पे क्यों चूतिया बना रहा है? वो एक बहुत बड़ा मिलियनेयर आदमी था, अपने ऑफिस में जब घुसा, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था, ऑफिस में जब घुसा तो देखा उसने ऑफिस के फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कागज पड़े हैं। झुका और सारे कागज समेटने लग गया, उठाया और पास के डस्टबिन में सारा स्टाफ देख रहा, इतना बड़ा मिलेनियर। छोटी सी बात, क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। सर आपने कितनी मतलब स्टेज पे झाड़ू लगाई है, साले कब तक दूसरों की कामयाबी पे कमाएगा? इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अपना भी तो कोई कारनामा बता सिवाय चूतिया बनाने के। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूँ, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश का पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया। हराम खोरो, इसलिए बोलते हैं टाइम पे फीस दे दिया करो। खैर सर आगे बताएं। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूँ। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे। अबे ऐसी कौन सी पॉलिश है जो सारी जिंदगी जूते साफ रखती है? और कौन सा प्रिंसिपल अपने स्कूल में ऐसी बकचोदी करता है भाई? कभी तो कोई लॉजिक दे दिया कर अपने किसी चुतियापे में। और कौन है वो चूतिया जो इस इलॉजिकल इंसान से मोटिवेट होते हैं? आंखें खोल लो गधे के बच्चों, और किस तरह समझाऊं? तो भैया आज का पोस्टमार्टम खत्म करते हैं छोटे से पैगाम के साथ। पिछवाड़े पे मारो इनकी धंधे, बंद करो इनके मोटिवेशन के धंधे।